वाकई में छोटी राजकीय महिलाएं सुरक्षित नहीं? आखिर क्यों बेखौफ है बलात्कारी करने के प्रदेश में ये क्या हो रहा है? लखनऊ में हुआ गैंगरेप प्रॉपर्टी, किशोरी को बनाया बंधक, किया हवस का शिकार। हवस के शिकारियों पर कब योगी की कार्रवाई? निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले जाकर साथियों के साथ किया गैंगरेप, सहेली बचकर भाग चुकी, मदद के लिए किया ग्रामीणों को जमा। मैं ये मांग कर रही हूँ कि मुझे मतलब इंसाफ मिले। जो है प्रॉपर्टी डीलर से था, राम सागर रावत से, आपके चक्कर में उससे 20-25 दिन से संपर्क करे थी, तो उसने जो है मुझे एक मुझसे 50,000 रुपए लिए, कुछ टोकन के रूप में जमा किया। उसके बाद फिर दोबारा उसने मुझसे बुलाया, कहने लगा कि जो है आप आ जाइए, मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए और बाकी जो है अपना जो है वो ले जाइए, कागज़ ले जाइए। तो सर मैं आई थी वहाँ पर, वो मुझे लेने भी आया था टटिया पुल पे, कि जो है मैंने कहा कि गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो कहने लगा मैं लेने आ जाऊँगा। सर मुझे लेके वो जो है वहाँ घुमाते हुए वो टटिया पुल से फ्लैट पे लेके गया और मांगा था मैं वहीं पैसे दे देती, लेकिन उसने ये कहा कि जो है मैं घर पे चल के आपको कागज़ दे दूंगा और वहीं पैसा ले लूंगा, लेकिन वो मुझे घर ना ले जाके अपने फ्लैट पे लेके गया। मेन अपराधी था उसको पकड़ा और दो लोगों को नहीं पकड़ा है। मतलब उसमें वो कर रही है कि मतलब ये मैं टेस्ट ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, ये झूठी घटना है, कोई सही घटना नहीं है। पास क्या नाम नाम सॉरी सर नाम उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ पार्टी से, और जो मतलब आप समझौता कर लीजिए उससे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में हो गया एक शर्मनाक कांड। लखनऊ के बीजीआई थाना इलाके में बीते दिनों महिला के साथ गैंगरेप का मामला दूर पकड़ा जा रहा है। अभी तक आरोपी प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित महिला ने अपने सहेली संग हजरतगंज गांधी प्रतिमा पहुंचकर विरोध जताया और जिम्मेदारों से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि बीजेपी के एक विधायक सुलह समझौता का दबाव बना रहे हैं, इसके लिए उसे लगातार फोन पर धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके चलते वो काफी हाथ बताते कि पीजीआई के कल्ली पश्चिम इलाके में प्रॉपर्टी डीलर ने एक महिला को प्लॉट दिखाने के बहाने निर्माणाधीन बिल्डिंग में बंधक बना दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। महिला पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ प्रॉपर्टी डीलर को पैसे देने के लिए गई थी। वहीं घटना के दौरान महिला की सहेली आरोपियों के संगुल से भागने में कामयाब रही और पड़ोस के गांव पहुंचकर लोगों से मदद की गुहार लगाई, जबकि पीड़ित महिला आरोपियों की चंगुल में फंस गई। इस पर गाँव वालों ने सक्रियता दिखाई और मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इसके बाद पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप के बाद उसे घर भेज दिया था। इस मामले की जांच करने की बात भी कह रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्यशैली उस तरह नहीं रही जिस तरीके से होनी चाहिए। एक्शन युक्त कार्यशैली न होने पर गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने प्रॉपर्टी डीलर मोहद्दीपुर निवासी राम सागर रावत और उनके दो साथियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में करीब 7 दिन बीत जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आज महिला हजरतगंज स्थित पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाया और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की, लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखते हुए एक बात तो साफ है कि योगी राज में आखिर ये महिलाएं कब तक सुरक्षित नहीं है और कब तक इन आरोपियों को यानी इन बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और कब इनको सबक सिखाया जाएगा, देखने वाली बात है। खैर, इस पूरे रिपोर्ट को शांतम कुमार की रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।